मैच देखने के लिए स्टेडियम कैसे पहुंचना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, गाड़ी कहां पार्क करनी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज को कामयाब बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ही मुतहर्रिक। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया। सीटीओ लियाकत मलिक कहते हैं 1600 से ज्यादा ट्रैफिक अहलकार तैनात होंगे। एसपी सरदार आसिफ खान, एसपी ट्रैफिक हमाद रजा कुरैशी सुपरविजन करेंगे। 3 SP, 16 DSP, 90 इंस्पेक्टर, 1500 से ज्यादा वार्डन, रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 20 फोर्क लिफ्टर, 5 ब्रेकडाउन भी तैनात। गाड़ी पार्क करने की भी कोई टेंशन नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने शायकीन क्रिकेट के लिए 9 पार्किंग स्टैंड मुख्तस कर दिए हैं। जेल रोड और मजंग से आने वाले शायकीन FC कॉलेज में गाड़ियां पार्क करेंगे। काहना कोटलखपत से आने वालों के लिए लिबर्टी मार्केट में पार्किंग मुख्तस। कैंट गुलबर्ग से आने वालों के लिए कवैलरी, फिरदौस मार्केट पार्किंग के लिए मुख्तस। मोटरवे ठोकर से आने वाली गाड़ियां फैसल टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पार्क करेंगे। पार्किंग करने वालों के शिनाख्ती कार्ड, मैच की टिकटें होना लाजमी होगा। पार्किंग एरिया से मुफ्त शटल सर्विस का इंतजाम भी किया गया है। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, MM आलम रोड पर ट्रैफिक रवा दवा रहेगी। केनाल रोड दोनों तरफ आम ट्रैफिक के लिए खुली होगी। फिरदौस मार्केट, सेंटर पॉइंट, कलमा चौक से बरकत मार्केट ट्रैफिक खुली होगी। सदीक ट्रेड सेंटर, पुल नहर, जेल रोड तक कदवा चौक आम ट्रैफिक के लिए खुला होगा। मुतबादल रास्तों पर वार्डन की भारी नफरी तैनात होगी। रास्ता FM 88.6 के जरिए आगाह रखा जाएगा। CTO लियाकत मलिक कहते हैं ट्रैफिक पुलिस रवायती अंदाज में शायकीन क्रिकेट को खुश आमदीद कहेगी। शायकीन को फूल और बच्चों में कैंडी तकसीम करके वेलकम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42।